नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में इनेलो और बसपा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बैठक की अध्यक्षता की। आगामी 18 अगस्त को हरियाणा बंद को लेकर के कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए अशोक अरोड़ा। रैली की बजाय किसानों के हित में काम करे सरकार, मुख्यमंत्री की रैलियों को लेकर के निशाना साधा। राजकुमार सैनी की भाजपा बगावत पर बोले अशोक अरोड़ा। कहा, पहले भाजपा ने ही तैयार किया था राजकुमार सैनी को। अकाली दल व इनेलो गठबंधन पर अशोक अरोड़ा का जवाब। SYL मुद्दे पर अकाली दल का सहयोग देने का आश्वासन मिले, फिर किया जाएगा इस पर विचार। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जाने की ये रिपोर्ट। सिरसा में आज इनेलो व बसपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 18 अगस्त को हरियाणा बंद को लेकर के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा व BSP के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती ने किए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि SYL के पानी के लिए लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा के हक के लिए फैसला दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार SYL के पानी को लाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं GST और महंगाई को लेकर के आम लोगों की कमर तोड़ने में लगी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 18 अगस्त को इनेलो और BSP के संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि आज उसी को लेकर के इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग की गई है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। आज हमारी दोनों पार्टियों की जिला सिरसा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। 18 तारीख को हमने फैसला लिया हुआ है हरियाणा बंद का, और ये फैसला हमें क्यों लेना पड़ा कि 10 नवंबर 2016 को SYL का फैसला हरियाणा प्रदेश के पक्ष में आया कि केंद्र की सरकार नहर बनवाए। तभी से हम लगातार प्रदेश की सरकार पे, जहां उन्होंने मिलके कहा कि मुख्यमंत्री जी आप अगुवाई कीजिए, हम आपके साथ, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। और उसी कड़ी में जहां हम SYL का पानी हरियाणा प्रदेश में आए, इसके लिए व्यापारी भाइयों से प्रार्थना करेंगे इस बंद में सहयोग दें, इसी के साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, और आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालत हो गई है कि आज हमें दुख से कहना पड़ता है कि 6 महीने से बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्ध महिला के साथ लगातार रेप की घटनाएँ बढ़ रही हैं। GST नोटबंदी की वजह से जो बाजार के अंदर मंदी आई, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया, हम उसके विरोध में, बढ़ती महंगाई, जो सरकार ये कह के सत्ता में आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, इनके राज में आपको सुन के हैरानी होगी कि 4 साल में 25 रुपए लीटर डीजल के रेट बढ़े, 17 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े, जो रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 400 का आता था, आज लगभग 800 रुपए तक पहुंच गया, यानी कि डबल रेट हो गए। बिजली के रेट 10 रुपए प्रति यूनिट डोमेस्टिक बिजली के लोगों को देने पड़ रहे हैं। इनके विरोध में हमारी पार्टियों ने, दोनों ने मिलकर बंद का आह्वान किया। उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि आप एसोसिएशनों से मिले, हर दुकान पे जाकर उसे प्रार्थना करें कि हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए इस सरकार के खिलाफ आप हमारा बंद में सहयोग दें। आज प्रदेश की सरकार के मुखिया श्रीमान मनोहर लाल खट्टर लगातार पिछले 1 महीने से रैलियां कर रहे हैं, और रैली का नाम दे रहे हैं। पहली रैली करी इन्होंने सूरजमुखी रैली, दूसरी रैली करी बाजरा रैली, तीसरी रैली करी धान रैली, और चौथी आपके पड़ोस में करी बरवाड़ा के अंदर कपास रैली, जहां लोग नहीं जाते, स्कूलों के बच्चों को 400-400 रुपए दे के बरवाड़ा के अंदर रैली में बुलाया गया। आज इनकी ऐसी हालत है रैली करने वालों की कि सपोर्ट प्राइस थोड़ा सा बढ़ने पे रैली करते हैं, कहां स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते थे। तो इसलिए सरकार ने किसानों का लगातार शोषण किया, जो MSP बढ़ने पे ढोल बजाते फिर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि MSP के नीचे जो माल खरीदा गया,
धान जो 300-300 रुपए क्विंटल नमी के नाम पे लूटा गया, सरसों 4000 वाली 3200 में खरीदी गई, बाजरा 1400 वाला 1100 में खरीदा गया, तब कहाँ थे ये लोग। तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की लहर चली हुई है, इसी को देखते हुए दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है। कोई रथ चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है और कोई धान रैली करता फिर रहा है। ये राजकुमार सैनी जी का सहारा लेके शुरुआत तो करी थी भारतीय जनता पार्टी ने बांटने की, जिस प्रकार आतंकवाद में उस समय की प्रधानमंत्री ने भी भिंडरावाला जी को खड़ा किया था, बाद में हाथ से निकल गया था, ठीक इसी प्रकार शुरुआत तो इन्होंने करी, परंतु उसको भी मुख्यमंत्री बना के लोग रोज सोने लग गए। अब वो इनसे अलग हो रहा है, शुरुआत जो की है खड़ा किया हुआ है इन्हीं का किया हुआ है, परंतु जिस दिन पंजाब की विधानसभा ने, उस समय प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री थे, इस नहर को बंद करने का, इसमें मिट्टी भरने का निर्णय लिया था, उसी दिन से हमने अपने राजनीतिक संबंध खत्म कर लिए। हमारा उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं, वो चुनाव लड़े उनका स्वागत। अगर अकाली दल ये बयान दे कि SYL का पानी हरियाणा में लाने के लिए हमें हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के साथ तैयार है, तो फिर विचार कर लें।